De hata utere pas, pra pui xume re masi, mere papum ke liei, utar de te masi. हालेलुया प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दें। जब लोग जीते हैं तो दूसरों के विचारों के बारे में सोच के व्यावहार करते हैं रोम साम्राज्य में इस तरह एक जो मुहावरा है इवल लव इज लव दुष्ट कानून भी कानून है उस जमाने में लोग तो कानून के अनुसार जीने की कोशिश करते थे अनेक लोग तो अपने परिवार से या स्कूल से या अपने समुदाय से जो मिलने वाले संस्कृति के शिक्षा के अनुसार और उनके धर्म के अनुसार जो शिक्षा मिली है उसके प्रभाव में तो जीते हैं जो नैतिक हैं तो नैतिक जो कानून के नैतिक जो नियम के बिल्कुल अनुसार जीना चाहते हैं जो धर्मी हैं तो अपने विवेक के सामने तो शर्मिंदा न होने के लिए जीते हैं कुछ लोग तो दूसरे के मुंह देख के जीते हैं और पाखंडी बांध के जीते हैं आप किसके सामने जीते हैं किसी सिद्धांत के सामने आप व्यवहार करते हैं बाइबल हमें क्या सिखाते हैं इसके बारे में बाइबल सिखाते हैं आप यहुआ का भय मान के जिये यहुआ परमेश्वर उन्होंने उनका नाम बताया आई एम मैं हूँ सृष्टि से पहले हजारों साल पहले या अभी भी और आने वाले सालों में भी उनका नाम हमेशा है आई एम मैं हूँ परमेश्वर हैं अनादिकाल से अनंतकाल तक तो परमेश्वर यहोवा मैं हूँ के रूप में रहते हैं इसलिए आज हम भजन संहिता बाइबल के पचानबे के द्वारा मनन करना चाहते हैं कि मैं हूं के सामने जीवन क्या होता है आज के वचन भजन संहिता पचानबे में है आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें क्योंकि यहोवा महान ईश्वर हैं। और सब देवताओं के ऊपर महान राजा हैं पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में हैं और पहाड़ों की चोटियाँ भी उसी की हैं समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा हैं आओ हम झुक कर धन्यवाद करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें क्योंकि वही हमारा परमेश्वर हैं और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेरे हैं भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते अपना अपना खरीदिया ऐसा कठोर मत करो जैसा मरिबा में व मसा के दिन जंगल में हुआ था जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा चालीस वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से लुठा रहा और मैंने कहा ये तो भरमाने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे आज के वचन का पॉइंट वन युवा परमेश्वर का जय जयकार करें ले के लेकर पाँचवीं तक आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा हैं पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में हैं और पहाड़ों की चोटियाँ भी उसी की हैं समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का राजा है इस भजन संहिता के द्वारा एक गीत भी बनाया गया आओ हम योवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए अपने उतर की चाटान का जय जय कर करें बहुत सुंदर गीत है यहां बताया गया यौवा परमेश्वर का जय जयकार करें ऊंचे स्वर से गाएं और धन्यवाद करें भजन गाएं ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि मनुष्य को परमेश्वर ने क्यों बनाया यह परमेश्वर ने हमको क्यों बनाया हमारा कारण क्या है इस होने का तो यशाया तेलिस इक्कीस में इस तरह परमेश्वर ने कहा इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें द पोन आई फोम फॉर माई सेल्फ दैट दे मे प्रोक्लेम माई फ्रेस क्या आप आपके सृजनधर परमेश्वर को जानते हैं क्या आप उनकी प्रशंसा करते हुए जीते हैं क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको प्रशंसा के लिए बनाया उनकी प्रशंसा के लिए कभी तो भूल चुके नहीं आपके दिल के गहराई से आप क्या चाहते हैं क्या आप सचमुच में परमेश्वर को चाहते हैं उनकी निकटता में होने को चाहते हैं जब मैंने प्रभु ईश्वर के बारे में जाना प्रभु ईश्वर विश्वास किया है तो मैंने निश्चय किया था भाई परमेश्वर मेरे जिंदगी के अंतिम श्वास तक मैं आपकी प्रशंसा करता रहूँगा हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमारे प्रशंसक के योग्य हैं हमें क्यों युवा परमेश्वर ही की प्रशंसा करना है क्यों उनका जय जयकार करके रहना है क्योंकि यहुआ परमेश्वर ही पहले पद में हमारे उद्धार की चट्टान है उनके उद्धार अटल है और तीसरे पद में यहु परमेश्वर ही महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है क्योंकि वो ही अतुल्य परमेश्वर है और चौथा और पांचवी में लिखा है यहुआ परमेश्वर ही से जानहार है उसको छोड़ के कोई दूसरा सृजनहार है ही नहीं इसलिए सारी सृष्टि की प्रशंसा किसको मिलनी है सिर्फ युवा परमेश्वर ही को मिलना है क्योंकि वह अनोखा परमेश्वर है Hallelujah! अनेक देवताओं की स्तुति करनी है कि नहीं मल्टीपल गॉड्स और नॉट संसर के धर्म सिखाते हैं कोई भी देवता देवी को चुन लो और उनकी प्रशंसा करो लेकिन बाइबल के अंदर सृजनहर यहुआ परमेश्वर इन बातों को बिल्कुल मना करते हैं आपको याद है परमेश्वर यहुआ ने मनुष्य जाति को दस आज्ञाएं दी हैं उसमें से सबसे पहले और दूसरी क्या है निर्गमान की किताब बीस से आज्ञा तीन से लेकर पांच में लिखा है तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है तो उनको द्वंद्वत न करना और न उनकी उपासना करना यही कारण है कि ईश्वर के चेले दूसरे देवता के पीछे दूसरे मूर्ति के पीछे न चलते हैं उनको द्वंदवात न करते हैं यशाया किताब पयालिस अध्याय आठ में लिखा है परमेश्वर यहुआ ने खुद कहा है सुनिए मैं यहा हूँ मेरा नाम यही है अपनी महिमा मैं दूसरे को न दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मृतों को न दूंगा इंग्लिश में आई एम द लॉर्ड देर इज माई नेम आई विल नॉट गिव माई ग्लोरी टू अनादर All my praise to idols। स्पष्ट हो गया ना परमेश्वर सारी महिमा और सारी गरिमा के योग्य परमेश्वर हैं हमारी प्रशंसा हमारी आराधना उपासना सब युवा परमेश्वर ही को मिलना है क्योंकि वो ही योग्य परमेश्वर हैं। इस तरह तुलना किया जाता है जैसे जो शादीशुदा जो है एक जो लेडी अपने पति को छोड़ के दूसरे आदमियों के साथ अगर संबंध बनाना शुरू करते हैं तो उसको क्या कहते हैं व्याविचार कहते है, अदर्थ व्याविचार कहते हैं ना इस तरह परमेश्वर को छोड़ के सृजन हर परमेश्वर को छोड़ के दूसरे देवता के पीछे चलते हैं और दूसरे जो मूर्ति की पूजा करते हैं उन इसराइल जाति के लोगों को परमेश्वर ने क्या कहा उनको व्यभिचार करने वाले व्यविचार के पाप करने वाले कह दिया आत्मिक तौर से इस वोचों को सुन के हमें चुनौती मिलती है मेरी जो के योग्य कौन है मेरे द्वद्व के मेरे जो आराधना के योग्य परमेश्वर कौन है वो सृजनहार कौन है मैं किसको पूजू किस उपासना करूं तैंतीस करोड़ देवता के देवी की उपासना करना है या सिर्फ एकमात्र सृजनहर परमेश्वर यहोवा की प्रशंसा करनी है पॉइंट यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद करें छतवीं सातवीं में लिखा है आओ हम झुक कर ध्वधवाद करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें क्योंकि वो ही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेरे हैं यहाँ लिखा है झुककार धंदुबात करें और यहुआ के सामने घुटने टेकें मतलब यहुआ परमेश्वर की आराधना करने के लिए इस तरह तो आज्ञा दी गई है क्यों क्योंकि यहुआ परमेश्वर ही सात्विक में हमारा परमेश्वर है क्या अनेक देवताओं ने मिलके बैठा किया था या डिस्कस किया था और मनुष्य को बनाया था या एकमात्र परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था अगर एकमात्र परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया वो कौन है वो यहुआ परमेश्वर ही है इसलिए उसने कहा है और इसलिए उसी की आराधना करनी है आपका मेरा सृजनहार परमेश्वर कौन है भाई बताती है यहुआ परमेश्वर और यौवा परमेश्वर ही हमारा राजा है साथ में लिखा है हम उसकी चराई के प्रजा हैं जो प्रभ ईश्वर विश्वास करते हैं तो वे परमेश्वर के प्रजा बन जाते हैं परमेश्वर उनका राजा है उनकी रक्षा करते हैं और परमेश्वर को हम राजा के रूप में धनबाद करते हैं प्रभ ईश्वर ने भी कहा था कि पश्चाताप करो मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है परमेश्वर हमारा राजा है और हम उसके प्राजा बन जाते हैं तब हम प्रवेश कर सकते हैं स्वर्ग में क्या आप स्वर्ग की प्राजा हैं क्या आपकी नागरिकता स्वर्ग में है प्रप पर विश्वास करके प्रप को अपने प्रभु के रूप में और अपने मुक्तिदाता के रूप में विश्वास करेंगे तो विशेष संबंध में आप जा सकते हैं परमेश्वर आपका राजा बन जाएंगे और आप उनकी प्राजा बन जाएंगे तब आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकेंगे दूसरा रास्ता दिया ही नहीं और यह हुआ परमेश्वर ही सातविंग में तो हमारा चरवाहा है और इसलिए हम उसके हाथ के बेहेंगे बाइबल परमेश्वर और मनुष्य को इस तरह तुलना करते हैं कि चरवाहा और भैर के रूप में ये स्पेशल स्पेशल विशेष संबंध है और प्रभु ईश्वर ने भी कहा था कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ और मेरी चौ मेरी आवाज सुनती है मेरे पीछे पीछे चलती है और प्रभु ईश मासी स्वयं अच्छा चरवाहा है और अपने भैरों के लिए अपने प्राण देने वाले चरवाहा हैं इसको इसराइल के राजा दाऊद ने तरह वारणा किया क्योंकि क्योंकि दाऊद वास्तव में पहले तो चरवाहा था लेकिन परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया है इसलिए जो भजन संहिता तेईस में इस तरह उन्होंने कहा कि यह मेरा चरवाहा है और इसके आगे उन्होंने वारणा किया कि वो चरवाहा उसके जीवन की रक्षा करते हैं अगुवाई करते हैं और ज़िंदगी भर सचमुच में प्रेम के साथ और आ, करुणा के साथ उसकी अगुवाई करते हैं और अंत में यहुआ के घर में तो वो आ, ले चलते हैं इस तरह अंगीकार किया है प्रभु यीशु पर विश्वास करें और उनके पीछे चले प्रभु यीशु जी आपका चरवाहा बनना चाहते हैं संसार के सारी सृष्टि से भी जो महान परमेश्वर यहोवा आपसे प्रेम करते हैं और आपको बचाना चाहते हैं आपकी रक्षा करना चाहते हैं आपके चरवाहा बनके प्रभु यीशु पर विश्वास करने से यह आशीष आपको मिलेगी परमेश्वर आपको बचाए और आपकी रक्षा करें आपके चरबाह भवन के हाल हुई नो आदर गॉड एक्सेप्ट मी चशाया पैंतालीस पांच में इस तरह परमेश्वर यह ने कहा मैं युवा हूं और दूसरा कोई नहीं मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं इंग्लिश में आई एम द लोदर इज नो आदर अपार्ट फ्रॉम मी देर इज नो गॉड कभी आपने इस तरह सुना है इस तरह गंभीरता की आवाज है कभी कोई ऐसे ईश्वर बोलते हैं कोई देवता इस तरह बोलते हैं मैं ही परमेश्वर हूं कोई दूसरा नहीं लेकिन बाइबल के परमेश्वर यहुआ इस तरह बोलते हैं इस तरह आप आवाज सुनेंगे तो आपके प्रतिक्रिया दो में से एक हैं या आप इस परमेश्वर यहुआ पर विश्वास करें और उनको धन्यवाद करें या उनको छुट्टा समझें दो में से एक होता है कभी ऐसी कोशिश मत कीजिए कि यहुआ परमेश्वर को इस तरह बोलने वाले यहुआ परमेश्वर को तैंतीस करोड़ देवताओं के बीच में ऐसे के मिलाने की कोशिश कभी मत कीजिए आप कर नहीं सकते हैं और प्रभु ने क्या कहा युवान नाथ चौदाक्ष में प्रभुष्टी ने यह कहा कि यीशु ने उससे कहा मार्ग और सच्चाई और जीवन सुनेगा मैं ही हूं मैं ही हूं बिना मेरे द्वारा बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता प्रभु ईश्वी के इसी बात को सुन के आपका क्या प्रतिक्रिया है परमेश्वर की बात सुने सात से लेकर ग्यारह तक भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरी में व मासा के दिन जंगल में हुआ था जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा चालीस वर्ष तक मैं उस पीरी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा यह तो भरमाने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे जो परमेश्वर को धन्दबाद करते हैं उनके दिल के अंदर क्या एटीट्यूड क्या मनोवृत्ति होना चाहिए वो यह कि परमेश्वर के वचन की तरफ कान लगाना अपने मन को न बनाना या परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वास करना और उसके अनुसार चाल-चलन करना सातवीं आठवीं क्या लिखा है भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते आठवीं में अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो की को परीक्षा में न डालना है परमेश्वर को गुस्सा नहीं दिलाना है जो झूठ है उन बातों से बिल्कुल आकर्षित न होना है परमेश्वर के रास्ता पर चलना है इसका मतलब है कि परमेश्वर पर विश्वास करना है इसराइल जाति के लोग चालीस चालीस वर्ष के दौरान उन्होंने परमेश्वर के चमत्कार को देखा है उनकी सुरक्षा को देखा है उनकी विश्वास योग्यता को देखा है फिर भी उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया इसलिए परमेश्वर क्रोध में थे सुनिए परमेश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे तो क्या हो जाता है कैराबिंग में एक चेतावनी है परमेश्वर ने क्या क्या कहा ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे हाँ जो पहले पीरी जो मिस्र से जो चुराए गए थे इनके अविश्वास की वजह से उन्होंने प्रवेश नहीं कर पाया जो वादा किया गया था उस देश में कैरान देश में प्रवेश नहीं कर पाए हाँ इस तरह अभी जो प्रश्वर विश्वास करते हैं, हमारे लिए भी एक जो वादा किया गया देश है स्वर्ग देश है आठवीं सुनिएगा फिर से अपना अपना हृदय ऐसा का मत करो जैसा मरिप्पा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था ये मस्सा मरीप्पा का मतलब क्या है एक जगह का नाम है क्षेत्र का नाम है इन्होंने परमेश्वर ने सचमुच अपने को कठोर कर दिया है और परमेश्वर पर विश्वास पर नहीं किया उन्होंने ये भी कहा कि इतने चमत्कार को परमेश्वर की उपस्थित को देखने के बावजूद भी उन्होंने ये कहा क्या यह परमेश्वर हमारे बीच में है कि नहीं इस तरह संदेह किया है दाऊत किया था सारे जो प्राजा के लोग तो प्रवेश नहीं कर पाए यह हमारे लिए चुनौती की बात है चेतावनी की बात है अगर हम विश्वास में बने रहेंगे एक दिन जरूर जो स्वर्ग देश में प्रवेश करेंगे अगर हम विश्वास में ठंडा हो जाएंगे तो मन के कथरता में रहेंगे तो हम खो जाएंगे खो बैठेंगे यह हुआ के विश्राम में प्रवेश करें इब्रानियों की किताब चार अध्याय नौ से लेकर ग्यारह तक सुनिएगा सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सप्त का विश्राम बाकी है क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर की न्याएँ अपने का कामों को पूरा करके विश्राम किया है सो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें ऐसा न हो कि कोई जन उनकी नाए आ गया मानकर गिर पड़े। जैसे इसराइल जाति परमेश्वर के सामर्थ्य से मिस्र से छुटकारा पाके रेगिस्तान रगिस्तान में कुछ समय बीतने के बाद उस वादा किया हुआ पिछराम के स्थान में कैनाम में प्रवेश किया है वैसे ही जो प्राप्त के लोग उन्होंने उद्धार पाया है परमेश्वर के प्राजा बन चुके हैं फिर भी उस प्रामिस्ट लैंड यानी स्वर्ग देश में प्रवेश करने के लिए टाइम बाकी है ये संसार उस रेगिस्तान जैसे होता है हम परदेशी जैसे होता है जैसे आप कोरिया में आके परदेशी होकर रहते हैं और अपने देश में लौटने के लिए वो प्रतीक्षा करते हैं एक दिन आप लौट जाएंगे ना वैसे ही जो ईश्वर विश्वास करते हैं उनको भी लौटना है उनको भी जाने के लिए एक देश है सा देश स्वर्ग देश है न ही में उस देश में प्रवेश करना है इसलिए आज के दिन में बच्चों में इस तरह लिखा है अभी जो स्क्रीन पे है परमेश्वर के विश्राम स्थान में प्रवेश करना जब प्रभु यीशु वापस आएंगे तो हमारे जो सारे परिश्रम भी दुख भी खत्म हो जाएगा ये संसार के सारे बातें सब खत्म हो जाएंगी और उस दिन मनोजाति दो भाग में बांटे जाएंगे एक गुरु उस परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने वाले हैं दूसरा ग्रुप नरक के आग में सदा के लिए पीड़ित होने के लिए प्रवेश करने वाले हैं प्रभु ईश्वर विश्वास कीजिए और यह हुआ परमेश्वर आपके सृजनहार के प्रशंसा करते रहे प्रभु ईश्वर विश्वास करके प्रभु ईश्व मसीह में उस सच्चे अद्वैत परमेश्वर को धन्यवाद करने वाले बन जाए प्रभु ईश्वर के वचन पर मान के बाइबल के वचन के अनुसार जीवन जी के सचमुच परमेश्वर को खुश करने वाले बन जाए ताकि एक दिन अंतिम दिन परमेश्वर के अनाधिकार के विश्राम में आप प्रवेश करें इस तरह प्रभु ईश्वर आपको आश्रित करें हाला आज हमने सीखा है आई एम के सामने जीवन मैं हु परमेश्वर के सामने जीवन युवा के सामने जीवन क्या होता है ये पहले आपको निश्चित होना है कि आपके प्राशंसक के द्वंद्व के और आपके आज्ञाकारिता के योग्य कौन है कौन सा परमेश्वर है बाइबल कहती है आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला सृजनहार हर परमेश्वर युआ आई एम इसे उसी के सामने हमें कैसे जीना है आज के बच्चन भजन संहिता पचानवे से के द्वारा हमने सीखा है पहले क्या है यह परमेश्वर का जय जयकार करें यही हमारे जीने का कारण है यही हमारे आराधना का कारण है दूसरा यहुआ परमेश्वर को धन्वाद करें क्योंकि वही राजा हैं वही हमारे धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हैं वही हमको प्रजा बनाते हैं हम उनके सामने कुतने तक के जिए तीसरा युवा परमेश्वर की बात सुनें संसार में अनेक तरह की शिक्षाएं होती हैं आप किसकी बात सुनेंगे किसके पीछे चलेंगे किसकी आवाज़ सुनेंगे आपके सृजनहार परमेश्वर यहुआ की आवाज़ सुनें तो आपको धिकार के विश्राम मिलेगा उनके पीछे पीछे चलें, आप सच में धन्य हो जाएंगे हा ललिया मैं आज के वचन को समाप्त करना चाहूंगा तो एक जो के एक जो भाग को आपके लिए सुनाऊंगा आई एम के सामने जीवन भजन संहिता एक सौ तीन उन्नीस से लेकर बाईस तक यह हुआ तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्त्री किया हैं और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है हे यहुआ के तूतों तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो उसको धन्य कहो हे यहोवा की सारी सेनाओं हे उसके टहलुओं तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो योवा hey, की सारी सृष्टि उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो हे hey, मेरे मन तू यहुआ को धन्य कहो परमेश्वर यीशु मसीह में आप सभी को आशीष दें आप सभी को आई एम के सामने जीने वाले विश्वास बना दे हाल ऐ ऐ मैन